और चलिए अब बात करते हैं स्कूल चले हम, और वो भी इसलिए क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा बहुत सारे जो बच्चे हैं घर से ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरी की पूरी शिक्षा आधारित हो गई थी, लेकिन अब कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो ऐसे में अब बच्चे एक बार वापस फिर से शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, और अगर बात कोरोना को लेकर इस समय करें तो कोशिश की जा रही है कि बच्चे किसी भी तरीके से पढ़ाई से महरूम ना रहे। तो चलिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, अभी कोरोना काल में एक बार बच्चों की फिर से शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों में वापसी हो रही है, जिसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें अपनाया जा रहा है, और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो एक डेस्क पर एक ही बच्चा बैठेगा और इसके अलावा मास्क अनिवार्य है। नितिन अंतिल ने जायजा लिया है स्कूलों में किस तरीके से यहां पर कोशिश की जा रही है एक बार फिर से उस दौर में जाने की जब बच्चे मोबाइल के बिना स्कूल में जाकर पढ़ा करते थे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए कि दूसरी लहर ने तांडव मचाया और हालात ये हुए कि दोबारा लॉकडाउन लगा, सभी शिक्षण संस्थान कॉलेज स्कूल को बंद कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और सबसे बड़ी मांग उठी कि जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, और परिजन है वो ये कहते नजर आए कि ऑनलाइन क्लासेस जरूर हो रही हैं, जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है और स्कूलों को खोला जाए, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने अब स्कूलों को खोल दिया है। 9वीं से 12वीं तक की क्लासें आज से शुरू हुई हैं। मेरे पीछे तस्वीरें गाँव बैयापुर के सरकारी स्कूल की हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए हैं और उनके प्रॉपर जो तैयारियां वो की गई हैं, टेम्परेचर देखा जा रहा है, सैनिटाइजर का यूज किया गया है, उसके साथ ही जो बच्चे आए हैं उनके चेहरे पर मास्क है और सभी 5-5 गज की दूरी पर हैं, और इसके साथ साथ जो ओड इवन का फार्मूला भी अपनाया गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपनी पानी की बोतल लेकर आएंगे, लंच बॉक्स नहीं ला सकते हैं, और अपनी जो पानी की बोतल है वो किसी से शेयर भी नहीं करेंगे। हमारे साथ जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो हैं संतोष खत्री जी, उनसे जान लेते हैं। जी, आज से स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ गाइडलाइन की पालना की गई है, कैसे बच्चों को बुलाया गया? जो विभाग के दिशा निर्देश हैं उनके अकॉर्डिंग ऑर्डर इवन पे बच्चों को बुला के एक बेंच पे एक एक बच्चों को बिठा के और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को बुला दिया गया है। 50% बच्चों को बुलाया गया है, पेरेंट्स की कंसेंट ली गई है कि पेरेंट्स अपने कंसेंट के साथ भेजें, और सारे दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बच्चों से भी जान लेते हैं कि वो बच्चे जो घर पर रह रहे थे, जो बच्चे पीछे दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर कैसा लग रहा था, और अब ऑनलाइन क्लासेज जब वो शुरू हो गई हैं, बेटा जब घर थे ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी उन पे, और अब सब स्कूल में आना शुरू हो गए, कितना पढ़ाई पर प्रभाव पड़े? सर, ज़्यादा पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है, वैसे ऑनलाइन इतना वो अच्छा नहीं होता, स्कूल में ज़्यादा अच्छा होता है, स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है, बच्चों पर ध्यान भी दिया जाता है, घर पर रहकर इतनी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, स्कूल में अच्छा होता है। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं या फिर जो अध्यापक हैं उनका यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेज जरूर चल रही थी लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था, और स्कूलों की अनलॉकिंग प्रक्रिया से बच्चों में खुशी दिखाई दे रही है। देखना अब यही होगा कि अन्य क्लासेज कब से शुरू होंगी, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ही खोले गए हैं, और बच्चों को भी इंतजार है कि जो स्कूल है उनको खोला जाए और उनकी भी जो पढ़ाई है वो जारी हो। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। और देखिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट, जिन्होंने स्कूलों में जाकर जायजा लिया। कोरोना काल में देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना काबू आ रहा है वैसे वैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था अब पटरी पर लौटने लगी है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि आज से 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा, कक्षाएं फिर से शुरू हो गई है, लेकिन हिदायत दी थी कि कोरोना नियमों का पालन करना होगा। रियलिटी चेक करने के लिए हम पानीपत के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर स्कूल स्टाफ मौजूद है, बच्चों की एंट्री की जाती है, और सबसे पहले अगर कोई बच्चा आता है तो सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर मापा जाता है, और सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाहूँगा ये लेटर है जो बच्चों को मंगवाया जाता है, उनके परिवार के लोग की अनुमति होती है तो वो पत्र है। अब हम अंदर क्लास का जायजा लेते हैं। देखिए खुद सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, जो शिक्षा मंत्री ने कहा था जो सबसे ज़रूरी है, और खुद यहाँ पर जो स्कूल की प्रिंसिपल है प्रतिमा जी वो खुद ऑब्जर्व कर रही है कि अगर कोई बच्चा फॉलो नहीं करता तो उनको समझाया जाता है। तो प्रत्येक बेंच पर आप देख सकते हैं
डिस्टेंस रखा गया, एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा, यानी सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन, और बच्चों की संख्या भी कम है, कम बुलाए गए, टाइमिंग अलग अलग तरीके से दी गई है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे मैम किस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है और कितनी संख्या में बच्चे आए। जी हाँ, आज मॉडल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने विभाग से प्राप्त दिशा अनुसार हमने 9 से 12 कक्षा आज आए हैं कि बच्चे स्कूल में आए हैं, तो हमने पहले ही अपने स्टाफ की मीटिंग लेके जो भी हिदायतें हमें शिक्षा विभाग से दी गई थी वो हमने सारी कन्वे कर दी थी, और सभी ने हमने ये करने की कोशिश किया कि हर सेक्शन को हम 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि एक दिन हर कक्षा में 16 से 19 या 20 तक बच्चे जो हैं एक दिन प्रतिदिन आते हैं। लंबे अरसे बाद स्कूल में लौटे हैं, स्टडी जो हमारा बेस है, हमारे इनके बच्चों के भविष्य का बेस है, उसके लिए ये वापस लौटे हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं पानीपत के स्कूल में की जा रही है, और सबसे बड़ी बात बच्चों को बाध्य नहीं किया गया, वो घर बैठकर भी ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम प्रकार की अपनी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों के पेरेंट्स ने परमिशन दी है सिर्फ वो ही बच्चे क्लास में पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर हालांकि बच्चों की संख्या पहले दिन कम है, लेकिन पानीपत के इस स्कूल में तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। अपने सहयोगी बसंत के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक पानीपत। और वहीं बात अगर हिसार की करें तो संवाददाता सज्जन चौधरी ने स्कूलों का जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर है और सामान्य की तरफ बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने हरियाणा में एक बार फिर स्कूलों को खोला है। इससे पहले बच्चों की जो क्लासें थी वो ऑनलाइन चल रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आइए जानते हैं क्या वो नियम है और किन नियमों के तहत स्कूलों को खोला गया है और बच्चों की संख्या आज पहले दिन ही कितनी है। हमारे साथ लेक्चरर जयवीर जी हैं। जी जयवीर जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी क्लासें हैं जिनके लिए स्कूल खोले गए हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सरकार ने अभी 6 से 8 का तो नहीं खोला है, लेकिन 9 से 12 तक के आज 16 तारीख से विद्यालय सभी खोल दिए गए हैं। COVID-19 को मद्देनज़र रखते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह और पेरेंट्स की परमिशन से ये स्कूल खुले हैं। तो हम जो है ना सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल को खोला है। आज हमारे विद्यालय में करीबन 150 के आसपास छात्राएं आई हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास 600 से अधिक हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि 600 से अधिक विद्यार्थी हैं आज पहले दिन, क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिनके कारण जो स्ट्रेंथ है वो 100 ही पहुँच पाई है, और कौन कौन से वो नियम हैं? देखिए, पहला तो नियम ये है कि पेरेंट्स की अनुमति, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो अनुमति नहीं भेज पाए, और दूसरा दूरदराज जो बच्चे खेतों में रहते हैं उनको पता नहीं चला, तो और कई कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आज पहला दिन है तो 150 की संख्या काफ़ी पहुंची है। हमारा मानना है कल परसों तक स्कूल पूरा भर जाएगा। जी सर, अगर समय की बात करें तो समय क्या से क्या रखा गया है? समय सरकार द्वारा निर्धारित पहले लेटर के अनुसार 9 से 12 था, तो अभी तक तो हमारे संज्ञान में 9 से 12 का ही समय है, 9 से 12 तक बच्चे पढ़ाएंगे। जी जयवीर जी, अगर बच्चों के उत्साह की बात करें तो आज पहला दिन है, स्कूल खुले हैं, तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बच्चे परेशान हो चुके थे और पढ़ाई भी इनकी चौपट हो चुकी थी, अब बच्चे अच्छे से दिल लगा करके पढ़ना चाहते हैं और अध्यापक भी पढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है। हमारे साथ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चरर जयवीर जी थे। इन्होंने बताया कि जो समय है वो 9 से 12 का रखा गया है, हालांकि आज पहला दिन है तो बच्चों की संख्या कुछ कम है। इसका एक कारण ये भी है कि अध्यापकों को पेरेंट्स की परमिशन की आवश्यकता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे कितनी संख्या बढ़ती है, और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया है स्कूल खुलने पर, और बच्चे अधिक से अधिक संख्या में स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं। खबरें अभी तक के लिए हिसार से सज्जन चौधरी। तो कोरोना के कम होते मामलों के बीच एक बार फिर से जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे नहीं इजाजत, और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।